फाइनली मैं पहुंच गया हूँ द्वारकाधीश मंदिर। ये समुद्र के अंदर यहाँ पर जो है मिक्स होते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ द्वारका जाने के लिए, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, और 1 बजे की मेरी ट्रेन है। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना नींद गिराते हैं। भाई ट्रेन आ गई है और अब इस ट्रेन में बैठते हैं और चलते हैं द्वारका। मैं पहुंच गया हूँ द्वारका रेलवे स्टेशन और अभी जाते हैं चाय पीते हैं यहाँ आगे। और ये रोड गया है मंदिर, यहाँ से 2 किलोमीटर है यहाँ टेम्पल जो द्वारकाधीश टेम्पल है, और आगे जाके चाय पीते हैं यहाँ पे और चाय पी के फिर निकलेंगे यहाँ से। ये ऐसे ये एक ऑटो वाले 20 रुपये लेते हैं, 20 रुपये में आपको द्वारका उतार देंगे मंदिर पे। और ये सब स्टॉल वगैरह है जहाँ पे आप नाश्ता वगैरह कर सकते हो। चलते हैं मंदिर। गाइस अब मैं आ गया हूँ धर्मशाला में। काफी धर्मशाला ढूंढने के बाद ये एक धर्मशाला मिली है सब्जी मंडी के पास। ये स्कूल जैसी दिखने वाली, एवरेज है, ज्यादा अच्छा तो नहीं है रूम। और ये है इसका एंट्रेंस। तो गाइस धर्मशाला से मैं निकल गया हूँ अभी मंदिर के दर्शन करने के लिए, और अब कराता हूँ दर्शन। और मैंने धर्मशाला आपको बताई, उसमें उसका पूरा डिटेल भी बता दिया है। और ये है मंदिर जाने का रास्ता। गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ द्वारकाधीश मंदिर, और मेरे पीछे है मंदिर, और अभी मैं जा रहा हूँ अंदर। और देखिए कितना प्यारा मंदिर है, देखो। और गाइस मंदिर की ध्वजा दिन में 4 से 5 बार चेंज होती है, और देखिए कितनी प्यारी ध्वजा है, कितना प्यारा मंदिर है, कितना प्यारा नज़ारा है। चलते अंदर। और बाहर ये सारी स्टॉल वगैरह है, दुकान है जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। तो गाइस मैं आ गया हूँ मंदिर के बाहर और मेरे दर्शन हो गए हैं। और ये है मेरे पीछे मंदिर, द्वारकाधीश जी का मंदिर। देखिए कितना प्यारा जबरदस्त नज़ारा है। अभी दोपहर हो गई है, 1 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, और ज़्यादा भीड़ नहीं थी और दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट विद लंच, ब्रंच करने। और देखिए ये मार्केट है कुछ, और यहाँ पर आपको सस्ते में खाना मिल जाएगा, 65 रुपये में पेट भर के खाना मिल जाएगा। द्वारकेश करके है ये जगह, और ये रोड गया है सीधा मंदिर। अभी जा रहा हूँ मैं सुदामा सेतु, दर्शन कराता हूँ आपको, साइट सीन जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। और ये है सामने सुदामा सेतु, और बीच है सामने, और सुदामा सेतु के नीचे है गोमती नदी। चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस द्वारकाधीश मंदिर हिंदू धर्मों के 4 पवित्र धामों में से एक है,
और द्वारका भारत में सबसे प्राचीन धार्मिक शहरों में से भी एक है। और द्वारकाधीश मंदिर के पीछे ये प्यारी गोमती नदी है, जिसमें आप मंदिर के दर्शन करने से पहले आप स्नान कर सकते हो और इस नदी को पार करके आप जा सकते हो। 5 पांडवों के कुएं हैं सामने, जिनमें आप जाकर जिनका पानी पी सकते हो। यहाँ पर पूरे द्वारका में सिर्फ 5 पांडवों के कुओं का पानी ही मीठा पानी है, बाकी कहीं पर भी कोई भी कुआं खोदा जाता है उसमें मीठा पानी नहीं निकलता है, बाकी सभी जगह के कुओं से खारा पानी ही निकलता है। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, सामने द्वारकाधीश टेम्पल है और ये है गोमती घाट, और ये गोमती नदी सामने मिलती है अरब सागर में। वो देखिए वो ध्वजा चेंज करने के लिए चढ़ गए ऊपर। देखो भाई ध्वजा चेंज हो गई है, अभी भी वो भाई ऊपर ही हैं जो ध्वजा चेंज करी जिन्होंने, देखो वो है ऊपर। काफी टाइम लगता है, आधा घंटा तो लगता ही है ऊपर चढ़ने के बाद ध्वजा चेंज करने में। ये गोमती नदी है मेरे पीछे और पीछे ये समुद्र के अंदर यहाँ पर जो है मिक्स होते हैं तो संगम होता है। देखिए कितना प्यारा नजारा है और ये सामने है गोमती घाट। देखो ये है गोमती नदी और सामने है गोमती घाट और वो है अपना प्यारा द्वारकाधीश मंदिर और सामने है सुदामा सेतु। तो कितना प्यारा नज़ारा है। और पीछे है अरेबियन सी, अरब सागर। देखो यार कितना जबरदस्त नज़ारा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है, काफ़ी अच्छी जगह है। और ये है सामने बीच, देखो काफी अच्छा है, मजा आ रही है। मैं आगे अभी मेरे होटल पे जहाँ पे मैं रुका हूँ धर्मशाला में, और सुबह की टिकट है, सुबह मैं जाऊँगा बेट द्वारका बस से, और बस का कुछ 120 रुपया है एक जन का, तो सुबह टिकट लेंगे और निकलेंगे। और अभी मैं आ गया हूँ अपने होटल पे और खाना वगैरह तो खा लिया है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये होटल के बाहर का एरिया है, कुछ सामने सब्जी मंडी है ये और सामने बैंक है, तो करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।